इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 6 दिसंबर है, जाने कैसी दहशत है, जाने कैसा ये डर है। उदास तारीख है और खामोश कैलेंडर है। मैंने खुद से जब पूछा क्यों उदास मंजर है, दिल से ये आई आवाज़ कि आज 6 दिसंबर है। आज भी भारत के मुख्तलिफ शहरों में शहादत बाबरी मस्जिद के दिन को यौम सिया के तौर पर मनाया गया। बेलगाम शहर में भी मुस्लिम मोहल्लों में दुकानों को बंद किया गया था। दरबार गली, आजम नगर, आज़ाद नगर, गांधी नगर, फोर्ट रोड पर कारोबार बंद करके अपने दिल में आज भी बाबरी मस्जिद का जख्म गहरे होने का इजहार किया गया। जिस कदर आज तमाम महकमाओं में शिद्दत पसंद तंजीमों का इख्तदार और तसल्लुत कायम हो रहा है, वही भारत का अकलियती तबका डरा सहमा भी नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद पर खुलकर बोलने के लिए कुछ लोग कतरा तो रहे हैं, पर गुस्सा आज भी बरकरार होने की बात कुछ लोगों ने कही। वैसे भी आज इतवार था तो कुछ जगहों पर दुकानें सुबह से ही बंद थी, लिहाजा खड़े बाजार, जुम्मा मस्जिद चौक, फोर्ट रोड, जिन्ना चौक में पुलिस तैनात की गई थी। मस्जिदों के सामने भी पुलिस बंदोबस्त दिखाई दे रहा था। बाबरी मस्जिद की शहादत भारत की जमहूरियत पर लगा बदनुमा दाग है, जिसका धुलना अब तो मुश्किल है। अब मनमानी कारोबार और मुस्लिम मुखालिफत को ही संवैधानिक हुकूक समझा जा रहा है। वो मस्जिद जिसमें 400 साल से भी ज्यादा अरसे तक अजान और नमाज हुआ करती थी, कार सेवा के नाम पर लाखों हिंदुत्ववादियों ने गैर कानूनी तौर पर तोड़ दिया। दरअसल कार सेवा से पहले मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाने का वादा तो किया गया था। आज ही का वो दिन है जिस दिन सिर्फ बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिराया था, बल्कि जमहूरी ढांचे को भी मस्मार कर दिया गया था। सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर तामीर नहीं किया गया था। बहरहाल वैसे कहानियां बनाई गई, मीडिया में भी इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, इसलिए भी सभी को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर तामीर नहीं की गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मस्जिद को कार सेवकों के जरिए तोड़ना गैर संवैधानिक था। सभी का इकरार करते हुए आखिर अदालत ने फैसला भी राम मंदिर के हक में दिया, जिस पर कुछ इल्मी दानिशोरों का एतराज भी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह फैसला मोदी हुकूमत के दबाव में देने का बयान रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज कुरियन जोसेफ ने रंजन गोगोई ने इंसाफ के सौदे तक की बात कही। कई सेक्युलर कायदों और माहिरीन ने मरकजी हुकूमत के दबाव में लिया गया फैसला कहा, और अगर देखा जाए तो जिस तरह रंजन गोगोई को राज्यसभा मेंबर मुंतखब किया गया, इस शक को जायज भी ठहराया गया, क्योंकि अब तक किसी भी जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी पार्टी के सियासी ओहदे पर फाइज नहीं हुआ था। बहरहाल बाबरी मस्जिद राम मंदिर फैसले को राम मंदिर के हक में देने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा मेंबर का ओहदा संभाल लिया, जिससे आवाम में भी शक का इजहार किया गया। इससे भी ताज्जुब की बात यह रही कि जिन हिंदुत्ववादी तंजीमों के तकरीबन 50 कैदों के खिलाफ बाबरी मस्जिद की शहादत का इल्जाम था, आखिर इसमें भी अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद ही नहीं किया, जबकि 6 दिसंबर 1992 के पल पल की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखा गया, पर अदालत को कुछ भी नजर नहीं आया। आखिर इस मस्जिद को किसने गिराया, ये भी सवाल अब तक बाकी है, इसका भी अभी तक जवाब किसी को नहीं मिला है। खैर, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतुम्बरा, एल के अडवाणी, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मस्जिद की जगह को समतल करने का बयान किया था, उमा भारती जिसने एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो का नारा लगाया था, इसके बावजूद भी अदालत ने सभी मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद राम मंदिर जैसे जज्बाती मौजू के जरिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी तंजीमों ने आज से 28 साल पहले आज ही के दिन इस मस्जिद को शहीद कर इख्तदार तक का सफर तय किया था। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के जरिए खून खराबी की यात्रा निकाली। जहां जहां रथ यात्रा गुजरी वहां वहां की जमीन बेकसूरों के खून से लहूलुहान हुई। दुनिया भर में भारत में उभरते हुए हिंदुत्ववाद पर फिक्र का इजहार किया गया। भारत का मुसलमान तो बेचारा बेबस इंसाफ की उम्मीद लिए अदालत की तरफ देखता रहा। अदालत ने राम मंदिर के हक में फैसला सुना, इस पर भी मुसलमान खामोश रहे, अदालत के फैसले का एहतराम किया। पर क्या इस देश के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री आईने हिंद की परवाह है इन्हें? ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से इसलिए भी पूछा गया
कि भारत में आज भी सबसे ऊपर देश का संविधान है, देश के प्रधानमंत्री के अहदे पर जो फाइज होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। अपनी जाति जिंदगी में तो वो कुछ भी कर सके, पर जब इज्तमाही जिंदगी में सभी धर्म मजहब को मानने वाला एक सेक्युलर मुल्क का मुखिया होता है, पर राम जन्मभूमि के शिलान्यास में शरीक होकर एक बार फिर अपनी हिंदुत्व की तस्वीर को उजागर कर आईने हिंद की प्रधानमंत्री ने तौहीन की, ऐसा भी कहा गया। यहाँ कोई सवाल नहीं उठाता, इसे तो यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तभी तो गोदी मीडिया के जरिए सुबह शाम राम जन्मभूमि में पूजा पाठ में शरीक प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है। सवाल यही उठता है कि क्या वाकई इस मुल्क में सेक्युलरिज्म जिंदा है, जमहूरियत का कोई पासो लिहाज है? अगर जमहूरियत महज नाम की ही है तो इस मुल्क का दस्तूर किसी मजहब की बुनियाद पर ही रखना चाहते हैं तो ऐसा ऐलान ही किया जाए, वरना झूठे सेक्युलरिज्म और जमहूरियत के ढोंग को बंद कर देना चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।